गाइज, हम टाइम टू टाइम हमारी शेडोज है ना दूसरों पर प्रोजेक्ट करते रहते हैं और दूसरे लोग हमेशा अपने शेडोज हमारे ऊपर प्रोजेक्ट करते रहते हैं गाइज, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है ना ये बहुत आसान है करना, क्योंकि इसमें हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती, जस्ट दूसरों को ब्लेम करना पड़ता है। लेकिन इन्हीं शेडोज को ना एसिमिलेट करना, इंटीग्रेट करना, एक्नॉलेज करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इसमें हमें ना इनर वर्क करना पड़ता है। इसमें हमारा जो हर्ट, पेन, जो हमारी पास्ट सिचुएशन है ना, जो हमारे साथ पास्ट में हुआ था, वो सब कुछ सरफेस लेवल पे आता है, हमें फील करना पड़ता है ताकि हम खुद को हील कर पाएं। तो गाइज, ये जो प्रोजेक्शन है ना, तभी ये आसान होता है, और इसको इंटीग्रेट करना इन शेडोज को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ, ताकि हम खुद को डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाएं, हम अंडरस्टैंड कर पाएं कि इन रियलिटी हम हैं कौन और ये जो हमारे साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है कि जब दूसरे लोग हम पर अपनी शेडोज प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम उन शेडोज को कैसे रिफ्यूज करें, डिफ्यूज करें। तो गाइस, होता क्या है कि हम ना वेरी यंग एज से, जब हम मैच्योर होते हैं ना, जब हम मिड एज में आ जाते हैं, तब तक हम हमारी शेडोज को सिर्फ बना रहे होते हैं, क्योंकि तब तक हमें सोसाइटी, कल्चर, फैमिली सिखाती है क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रोसेस में ना हमारी बहुत सारी शेडोज बन जाती हैं, और हम एक मिड एज में आते हैं ना, तब तक हमें बड़ा कंफ्यूजन फील होता है, बड़ा हम सेटिस्फाइड नहीं होते हमारी लाइफ से, हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी हमारे अंदर कुछ बाइपोलर आइडेंटिटी है, कुछ तो कंफ्यूजन चल रहा है कि ठीक है हमारे पास जॉब है, फैमिली है, बट समथिंग इज मिसिंग। ये जो मिसिंगनेस वाली फीलिंग है ना, ये हमारी शेडोज की वजह से आती है। कभी तो हम है ना अच्छा बिहेव करते हैं, और कभी पता नहीं ऐसा क्या होता है, हम बहुत डिफरेंटली बिहेव करने लग जाते हैं। तो गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी शेडोज है ना, कभी कभी हम इन शेडोज से भी अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, कभी कभी हम हमारे ईगो से भी अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। गाइस, अगर हम चाहते हैं ना कि दूसरों की शेडो का इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े और हम बहुत आसानी से उनकी शेडोज को रिफ्यूज कर दें, डिफ्यूज कर दें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारी शेडोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमारी शेडोज को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गाइस, इसके लिए मैंने ना लास्ट टाइम एक वीडियो शेयर किया था, हाउ टू एक्नॉलेज आवर शेडोज। उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेगी जिससे आप है ना अपने शेडोज को एक्नॉलेज कर सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो धीरे धीरे इंटीग्रेट हो जाए आपके लाइटर एस्पेक्ट के साथ, और जिससे आपके अंदर कूलनेस की फीलिंग आए। गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, वही सबसे बड़ा इनर वर्क है इस शेडो वर्क का। तो गाइज, होता क्या है, जैसे ही लोग अपनी शेडो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगर होती है। सपोज एक लेडी है, वो बहुत परफेक्शनिस्ट है, वो हर काम बड़ा अच्छे से करती है, क्योंकि उसने यही लर्न किया है अपनी लाइफ टाइम में। जब परफेक्शनिज्म, हर काम बहुत अच्छे से नीट क्लीन करना ना, ये हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारा लाइटर एस्पेक्ट है। तो इसी प्रोसेस में उसकी शेडोज भी बन गई कि अब है ना वो चीज़ों को बिल्कुल भी डर्टी नहीं रख सकती, अनऑर्गेनाइज नहीं रख सकती। अब इन चीजों को है ना वो लेडी सपोज दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है कि तुमने ये गंदा छोड़ दिया, तुमने ये क्लीन नहीं किया, तुमने इसको अनऑर्गेनाइज किया है। तो ये जो शैडो उस सामने वाले पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर पुट की ना, वो ट्रिगर का काम कर गई उस दूसरे पर्सन के लिए, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है उसके अंदर उस चीज से रिलेटेड शेडोज ऑलरेडी भरी हुई है, कोई वूंड उसके अंदर उस चीज से रिलेटेड भरा हुआ है, तभी वो ट्रिगर हुआ है। कोई चीज आपको तभी ट्रिगर करेगी जब उस चीज से रिलेटेड आपके अंदर कोई वूंड या कोई प्रॉब्लम हो ऑलरेडी। तो ट्रिगर आप नहीं होते हैं, बल्कि जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, जो गलत चीजें भरी हुई है, जो वूंड्स भरे हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स भरी हुई है, वो चीजें ट्रिगर होती है ताकि हम उनको सरफेस लेवल पर लाएं और हील करें। लेकिन जब हम अनकॉन्शियस होते हैं ना, तो इन चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं होता, और जस्ट हम
रिएक्शन देते हैं। तो सपोज उस सामने वाली लेडी ने उसको किसी चीज के लिए जज किया या ऐसा कुछ कहा जो परफेक्शनिज्म से रिलेटेड था, तो उस लेडी का जो रिएक्शन था ना वो आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में बन गया। तो उस टाइम क्या है कि आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो गया, एक फाइट क्रिएट होगी और इससे ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज इसके लिए मेरे हिसाब से पहले उस लेडी को खुद पर वर्क करना चाहिए कि मैं क्यों ट्रिगर हो गई। ऐसे क्वेश्चन हमें खुद से टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए कि ऐसा मेरे अंदर क्या है जो बार बार इन चीजों से ट्रिगर हो जाता है। अगर ट्रिगर हो जाता है इट मीन्स मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है जो हील होना बाकी है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है ट्रिगर्स आर योर टीचर्स, प्लीज उसको देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कैसे दूसरों के जस्ट सिंपल सेंटेंसेस आपको इतना ट्रिगर कर जाते हैं, आपके वूंड को एक्चुअली ट्रिगर कर जाते हैं, जिससे आप अगर अनकॉन्शियस होते हैं सिर्फ रिएक्शन देते हैं और आर्ग्यूमेंट और फाइट पिक कर लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारी शैडोज को है ना थोड़ा एक्नॉलेज करना है। जो आप उस शैडो एक्नॉलेजमेंट वाली वीडियो से आप कुछ आइडियाज पिक कर सकते हैं और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि जब भी कोई आप पर अपने शैडो पुट करता है ना तो आपको फाइट बैक नहीं करना, आपको उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड थिंग इज आपको एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर बनना है, जैसी चीजें चल रही है ना उसको चलने देना है। इट्स लाइक कि आपने उस सिचुएशन को पूरा अपने सामने से ही पास होने दिया, आपने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो गाइज अगर आप इतना करेंगे ना तो इसी से ही बहुत ज्यादा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने अभी वो आपको परफेक्शनिज्म वाला एग्जांपल दिया, तो ऐसा ही एक मेरी फ्रेंड की मदर इन लॉ उसके साथ करती थी, तो वो बड़ा परेशान थी। उसने पूछा कि मैं ऐसा क्या करूँ ये करना बंद कर दे। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइट मत करो, रेजिस्टेंस मत क्रिएट करो, जस्ट कॉन्शियस ऑब्जर्वर बन के उनकी एक्टिविटी को वॉच करते रहो एंड अपनी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, एक अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेम क्रिएट करो और अपनी एनर्जी को दूसरों को मत दो। हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ भी छोटी छोटी चीजें हमें ट्रिगर कर जाती है ना तो हम उस इंसान के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो पोटेंट एनर्जी होती है ना हम अनकॉन्शियसली उस इंसान को देते रहते हैं, जिससे वो इंसान वापस से पावरफुल हो जाता है और वो वापस से हमारे ऊपर ही अटैक करता है और हम बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करनी है कि जैसे उनकी तरफ से कोई भी ट्रिगर आया ना, जब उन्होंने कुछ वर्बल वॉमिट की सपोज, तो आपको वो अपने अंदर नहीं आने देना है। ऐसा होना चाहिए कि उन्होंने कुछ कहा वो रिफ्लेक्ट होके उनके पास ही चला गया एंड आपकी एनर्जी है ना सिर्फ आपके पास ही रही, आपने उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जस्ट इग्नोर किया। आपको डिसोसिएट भी नहीं होना है, ऐसा नहीं कि आपने बात करना ही बंद कर दिया, उनके सामने ही जाना बंद कर दिया और उनसे आपको कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। गाइस कम्युनिकेशन, एनर्जेटिक कम्युनिकेशन होना जरूरी है, वर्बल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एनर्जेटिक कम्युनिकेशन इज लाइक कि आपको उनके सामने रहना है ताकि आपको ये पता लगे कि वो कब कब आपके ऊपर शैडो अपनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कब कब आपको वो जज कर रहे हैं, और आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि आप क्या ट्रिगर हो रहे हैं उन चीज़ों से। अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो यू हैव टू काम योरसेल्फ डाउन। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, हम दूसरों को अपनी एनर्जी ना देकर अपनी एनर्जी अपने पास ला रहे होते हैं। हम उस टाइम खुद को अपलेवल करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। हम जिन चीज़ों के लिए पैशनेट है वो कर सकते हैं, जो हमारी हॉबीज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, जो जो चीज़ें हमें पसंद है ना हम वो कर सकते हैं। एक्चुअली ये चीज़ें हमें हमेशा करते रहना चाहिए, इससे क्या हमारी वाइब्रेशन रेज होती है और हम उन लोगों से जो लोग आपके ऊपर शैडो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, हम उनसे वाइब्रेशन मैच नहीं रहते हैं, हम उनसे अपलेवल हो चुके होते हैं, हमारी वाइब्रेशन रेज हो चुकी होती है। जब हम खुश होते हैं ना, जब हम पैशनेट होते हैं चीज़ों को लेकर, हम बड़ा एंथुजियास्टिक होते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन अपने आप ही रेज्ड होती है, हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुके होते हैं। तो अब हमारा जो इंट्रैक्शन होना ना पॉसिबल ही नहीं है, एनर्जेटिक इंट्रैक्शन होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें हमारी एनर्जी अपने पास रखनी है ना, तो हमें वही सारे काम करते रहना चाहिए। उस सिचुएशन में भी जब आप ट्रिगर हो रहे हैं ना, उस सिचुएशन में हमें वही सारे काम करने चाहिए जो हमें पसंद होते हैं और जिनको हम दिल से चाहते हैं करना। तो हम
अपना ध्यान उनसे हटाने के लिए एक्चुअली ये काम कर सकते हैं, ताकि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम क्रिएट हो जाए। इससे क्या होगा, अगर वो लोग आपके ऊपर अपनी शैडो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री और स्ट्रॉन्ग फ्रेम की वजह से ना रिफ्लेक्ट होकर उन्हीं के पास चली जाएगी जहाँ से वो शैडो आई थी। इट मीन्स जो शैडो उन्होंने प्रोजेक्ट की थी ना, वो वापस उनके पास चलेगी, वो अपने ओरिजिन में चलेगी। उस शैडो ने ना आपको बिल्कुल भी हार्म किया ही नहीं। तो कुछ समय बाद मेरी फ्रेंड ने इस चीज़ का रिजल्ट मुझे बताया था, तब उन्होंने यही कहा था कि अब उन्होंने ऐसी चीज़ें करना बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे उनको कुछ रिएक्ट करके दिखाती ही नहीं, ना मुझे इन चीज़ों से अब कोई फर्क पड़ता है। तो गाइस ये छोटी सी चीज़ है ना, उसके लिए रामबाण जैसा काम करके मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एक और स्टोरी बताती हूँ, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। गाइस क्या होता है, एक गांव होता है, वहाँ पे है ना एक लड़की होती है, यंग लड़की होती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अनमैरिड होती है वो। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये अनमैरिड होके प्रेग्नेंट हो गई। तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उसको बड़ा डराते धमकाते हैं और पूछते हैं इस बच्चे का बाप कौन है, सच सच बताओ, नहीं तो तुमको अपने पेरेंट्स समेत हमें ना इस गांव से बाहर निकाल देंगे। तो उस लड़की ने ना उस टाइम कहा कि जो गांव का पुजारी है ना, वो है इस बच्चे का बाप। तब गांव वालों ने सीधा पुजारी पर जाकर अटैक कर दिया, क्योंकि वो पुजारी बहुत अच्छे ओहदे पर था। उस टाइम पुजारी की जो पोस्ट थी ना, बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती थी, इस पर लोग इतना जल्दी से ना कुछ ब्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन उन लोगों को के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी और उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एजिटेशन था, इसलिए वो सभी जाकर उसके ऊपर धमक गए। तो उस पुजारी से उन्होंने कहा कि उस लड़की ने ऐसा ऐसा कहा आपके बारे में कि उस जो प्रेग्नेंट है ना, वो आपकी वजह से है, तो क्या ये सच है? तो पुजारी ने थोड़ी देर उस बात को सुना और समझा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कहा उस लड़की ने, लेट्स सी, देखते हैं। ऐसा बोलकर वो पुजारी वहां से सीधा निकल गया। ऐसा लगा जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, और गांव वाले थोड़ा गुस्से में तो थे, लेकिन वो जाके अपने अपना काम करने लग गए, क्योंकि उन्हें पता है पुजारी को कुछ नहीं कह सकते बिना सबूत के। तो क्या होता है कि थोड़े दिन बाद है ना, उस लड़की ने किसी लड़के से शादी कर ली, और पता लगता है कि वही लड़का उस बच्चे का बाप था। तो गांव वालों को ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है पुजारी से रिलेटेड, क्योंकि उन्हें पता है पुजारी कितना ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा समझदार है, तभी उस पोस्ट को वो होल्ड करके बैठा है। तो गांव वाले फिर से मिलकर उस पुजारी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, पता है उस लड़की के जो बच्चे का है ना बाप, वो लड़का था जिससे उसने अब शादी कर ली है। तो वो पुजारी उस बात को सुनता है, समझता है, फिर से वही रिएक्शन देता है, अच्छा ऐसा हुआ था, चलो देखते हैं। ऐसा करके वो उनके सामने से निकल जाता है और गांव वाले बड़े दंग रह जाते हैं। गाइस इस स्टोरी से हमें ये समझने को मिलता है कि क्या होती है पावर ऑफ साइलेंस। हमारी जो साइलेंस है, उसने ना दूसरों को मौका दिया ताकि वो अपना शैडो वर्क कर पाएं, ताकि वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएं। एक्चुअली उस पुजारी ने ना साइलेंस क्रिएट करके ना दूसरों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है दूसरों के लिए। उसने एक्चुअली तो आर्ग्यूमेंट पिक नहीं किया, कोई फाइट पिक नहीं की, वो चाहता तो आर्ग्यूमेंट कर सकता था, क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट पर उस टाइम रेप्यूटेटेड था, तो वो चाहता तो वो चीज़ें ऐसे कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने दूसरों को मौका दिया जिससे उन लोगों ने खुद को रिफ्लेक्ट किया, अपनी खुद की प्रॉब्लम को समझा, खुद की शैडोज को उन्होंने जाना, और मे बी वो नेक्स्ट टाइम ऐसा दूसरों के साथ ना करें, जिससे कि ये जो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है ना शैडोज का, जब हम जस्ट दूसरों को ब्लेम कर देते हैं या आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, ये रिपल इफेक्ट उस टाइम उस पुजारी ने स्टॉप कर दिया। गाइज अगर हम गांधी जी का वो कोट जानते हैं ना कि अगर आंख के बदले आंख वाला रूल अगर हम अपनाएंगे ना, तो पूरी सोसाइटी अंधी हो जाएगी। अगर दूसरे शैडोज हम पर डाल रहे हैं और अगर हम भी उन पर अपनी शैडो डाल रहे हैं ना, तो कभी भी इस चीज का सोल्यूशन नहीं होने वाला है। गाइज दूसरों के पास राइट नहीं है कि वो अपनी शैडो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करें और आपको ब्लेम करें और आपको परेशान करें, लेकिन आपके पास राइट है कि आप
दूसरों की शेडो से खुद को प्रोटेक्ट करें। गाइज, बीइंग अ ह्यूमन, हमारे अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमने टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ में ले लिए होते हैं ना, तो हम हमेशा दूसरों को ट्रिगर करते रहते हैं, हम भी दूसरों से ट्रिगर होते रहते हैं। इसी से ही हम कॉन्शियसली इवॉल्व होते हैं एक्चुअली, बाय लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट लाइफ लेसंस। तो गाइस, ये जो प्रोसेस है ना, ये तो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, हमें इसके लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी, अपना इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा। और इनर वर्क करने के लिए है ना मेरा चैनल, यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके साथ डिस्कशन करती हूँ, आपके साथ कुछ कुछ आइडियाज और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस शेयर करती हूँ। तो गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए बाय।